हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। लेकिन फिर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। इतना सस्ती का कंप्रेसर है हमारा और इसकी सर्विस हम कर चुके हैं। हालांकि एक्चुअली मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था तो मैंने पार्टी के यहाँ पे चार्ज लगा के बैटरी चार्ज करिए फोन की, तो वीडियो बना रहा हूँ मैं। और मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करा इसके अंदर। आवाज़ की एकदम स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक तो इसका दोनों फिल्टर बदले हैं और एक इसका ऑयल इंडिकेटर बदला है। ये ऑयल इंडिकेटर बदला है, ऑयल चेंज करा हमने। एक इसका ब्रीदर वाल चेंज हुआ है। पुराने वाला ऑयल इंडिकेटर देखिए रखा हुआ है इसका। इससे पहले जो हमने बदला था वो भी अभी यहीं रखा हुआ है। तो ये खुले में रखा हुआ है। ये सबसे आप यहाँ कितनी घास हो रही है, हरियाली हो रही है पूरी। ओपन में रखा हुआ है, ऊपर ये पन्नी लगा रखे इन्होंने बरसात से बचने के लिए। तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी घास हो रही है, देख सकते हैं आप। और ये देखिए, ये इसके पुराने वाले फिल्टर है। और एक हमने इसकी घड़ी बदली है, ये घड़ी बदली है। और घड़ी में देखिए मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर आया हुआ है इसके अंदर। देख सकते हैं घड़ी के अंदर मैंने अपना नाम छपा रखा है, टेडी कंप्रेसर, और मेरा मोबाइल नंबर है। इसकी पुरानी घड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये इसकी पुरानी घड़ी है। ये मेरे हाथ में है लेकिन देखिए प्रेशर कितना है, 70 पाउंड हवा इसके अंदर शो कर रहा है अभी। इसलिए हमको घड़ी बदलनी पड़ी, इसमें पता ही चल रहा था प्रेशर कितना है कितना नहीं है। अभी ये बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। एक यहाँ पे 15 HP का कंप्रेसर रखा हुआ है, देख सकते हैं। उसको भी पन्नी से ढका हुआ है, ये भी खुले में रखा हुआ है इन्होंने। देखिए इसको मोटर को भी ढका हुआ है इन्होंने। ट्रक के टायर की जो ट्यूब होती है ना, उससे इसको ढका हुआ है। और स्टार्टर में देखिए डब्बा काट के लगा रखा है ताकि बरसात का पानी ना जाए। और इसका ये ऑटो कट है, ऑटो कट में भी देखिए डब्बा काट के लगा रखा है इन्होंने ताकि बरसात आए तो पानी इसमें ना जाए, तो इसकी सेफ्टी हो जाए। स्टार्टर की सेफ्टी के लिए डब्बा लगा रखा है इन्होंने और ऑटो कट की सेफ्टी के लिए भी लगा रखा है। और कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए देखिए इन्होंने ऊपर, मैं दिखाता हूँ थोड़ा दूर जाके, ये देखिए ऊपर ये पन्नी लगा रखी है, बल्ली लगा के बल्ली पे बांध रखी है। एक्चुअली यहाँ पे जींस का काम होता है तो बल्ली तो पहले से लगी हुई थी, लगी होती है इनके पास। हाइट में थोड़ी सी जींस सूट भी रही है, देख सकते हैं आप। तो उसी बल्ली पे इन्होंने रस्सी से बांध के इस पन्नी को लगा रखा है ताकि बरसात आए तो हमारा कंप्रेसर की सेफ्टी रहे। और अभी ये देखिए प्रेशर पूरा होने वाला है, ये बंद भी हो जाएगा थोड़ी देर में। प्रेशर तो 150 ऊपर जा रहा है, देखते कितना ऊपर जाता है। ये देखिए कंप्रेसर बंद हो गया हमारा ये, और हवा निकल रही है, आवाज़ आ रही होगी हल्की सी।
देख सकते हैं हवा निकल के और बंद हो गई ऑटो कट से, तो इसका मतलब ये है कि हमारा चेक वाल भी ओके है, चेक वाल में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कंप्रेसर ओके हो चुका है, फाइनल हो चुका है। और ये 150 से थोड़ी सी ऊपर हवा जा रही है, करीब करीब 110 पौन हवा जा रही है, कोई दिक्कत नहीं उसे। चलिए इसकी थोड़ी सी आवाज़ निकाल के चेक कर लेते हैं रीस्टार्ट का। चालू हो गया हमारा, थोड़ा ऊपर जा रहा है, अभी हमारा ये बंद हो जाएगा इसे काट के आके। ये देखिए अब कैसे बंद हो गया हमारा। चलिए सामान पैक करते हैं अपना। मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो पहले सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद। हमने यहाँ से हवा खोली अभी और ये पाइप यहाँ से फटा हुआ है, देखिए दो तरफ से कनेक्शन है इसमें, दो तरफ से हवा लेते हैं। इसका पाइप ये अंदर फैक्ट्री के अंदर गया है, अंदर डम्बी चलती है और इधर भी डम्बी चलती है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए जब भी ये डम्बी चलती है इसमें जींस फंसा के इसमें पैंट मारते हैं, रंग उड़ाते हैं उसका ना।
हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए फिर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। इतना सस्ती का कंप्रेसर है हमारा और इसकी सर्विस हम कर चुके हैं। हालांकि एक्चुअली मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था तो मैंने पाची के यहाँ पे चार्ज लगा के बैटरी चार्ज करिए फोन तो वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करा इसके अंदर। आवाज़ की एकदम स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक तो इसका दोनों फिल्टर बदले हैं और एक इसका ऑयल इंडिकेटर बदला है। ये ऑयल इंडिकेटर बदला है, ऑयल चेंज करा हमने। एक इसका ब्रीदर वाल्व चेंज हुआ है। पुराने वाला ऑयल इंडिकेटर देखिए रखा हुआ है इसका। इससे पहले जो हमने बदला था वो भी अभी यहीं रखा हुआ है। तो ये खुले में रखा हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी घास हो रही है, हरियाली हो रही है पूरी। ओपन में रखा हुआ और ऊपर ये पन्नी लगा रखे इन्होंने बरसात से बचने के लिए। तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी घास हो रही है, देख सकते हैं आप। और ये देखिए, ये इसके पुराने वाले फिल्टर है और एक हमने इसकी घड़ी बदली है। ये घड़ी बदली है और घड़ी में देखिए मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर आया हुआ है इसके अंदर। देख सकते हैं घड़ी के अंदर मैंने अपना नाम छपा रखा है, टेडी कंप्रेसर, और मेरा मोबाइल नंबर है। इसकी पुरानी घड़ी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इसकी पुरानी घड़ी है, ये मेरे हाथ में है। लेकिन देखिए प्रेशर कितना, 70 पाउंड हवा इसके अंदर शो कर रहा अभी भी। इसलिए हमको घड़ी बदलनी पड़ी, इसमें पता ही चल रहा था प्रेशर कितना है कितना नहीं है। अभी ये बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। एक यहाँ पे 15 HP का कंप्रेसर रखा हुआ है, देख सकते हैं। उसको भी पन्नी से ढका हुआ है, ये भी खुले में रखा हुआ है इन्होंने। देखिए इसको मोटर को भी ढका हुआ है इन्होंने। ट्रक के टायर की जो तो ट्यूब होती है ना, उससे इसको ढका हुआ है। और स्टार्टर में देखिए डब्बा काट के लगा रखा है ताकि बरसात का पानी ना जाए। और इसका ये ऑटो कट है, ऑटो कट में भी देखिए डब्बा काट के लगा रखा है इन्होंने ताकि बरसात आए तो पानी उसमें ना जाए और इसकी सेफ्टी हो जाए। स्टार्टर की सेफ्टी के लिए डब्बा लगा रखा है इन्होंने और ऑटो कट की सेफ्टी के लिए भी लगा रखा है। और कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए देखिए इन्होंने ऊपर, मैं दिखाता हूँ थोड़ा दूर जाके, ये देखिए ऊपर ये पन्नी लगा रखी है, बल्ली बल्ली लगा के बल्ली पे बांध रखी है।
एक्चुअली यहाँ पे जींस का काम होता है, तो बल्ली तो पहले से लगी हुई थी, लगी होती है इनके पास। हाइट में थोड़ी सी जींस सूट भी रही है, देख सकते हैं आप। तो उसी बल्ली पे इन्होंने रस्सी से बांध के इस पन्नी को लगा रखा है, ताकि बरसात आए तो हमारा कंप्रेसर की सेफ्टी रहे। और अब ये देखिए प्रेशर पूरा होने वाला है, ये बंद भी हो जाएगा थोड़ी देर में। प्रेशर तो 150 ऊपर जा रहा है, देखते कितना ऊपर जाता है। ये देखिए कंप्रेसर बंद हो गया हमारा ये, और हवा निकल रही है, आवाज़ आ रही होगी हल्की सी। देख सकते हैं हवा निकल के और ये बंद हो गया ऑटो कट से, तो इसका मतलब ये है कि हमारा चेक वाल भी ओके है, चेक वाल में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कंप्रेसर ओके हो चुका है, फाइनल हो चुका है। और ये 150 से थोड़ी सी ऊपर हवा जा रही है, करीब करीब 160 पौंड हवा जा रही है, कोई दिक्कत नहीं उसे। चलिए इसकी थोड़ी सी आवाज़ निकाल के चेक कर लेते हैं रीस्टार्ट का। चालू हो गया हमारा, थोड़ा ऊपर जा रहा है, अभी हमारा ये बंद हो जाएगा इसे काट के आके। ये देखिए कंप्रेसर बंद हो गया हमारा,
चलिए सामान पैक करते हैं अपना। मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो पहले सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद। हमने यहाँ से हवा खोली अभी और ये पाइप यहाँ से फटा हुआ है, देखिए दो तरफ से कनेक्शन है, इसमें दो तरफ से हवा लेते हैं। इसका पाइप ये अंदर फैक्ट्री के अंदर गया है, अंदर डम्बी चलती है और इधर भी डम्बी चलती है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, जब भी ये डम्बी चलती है इसमें जींस फंसा के इसमें पैंट मारते हैं, रंग उड़ाते हैं उसका ना।
ये देखिए कंप्रेसर बंद हो गया हमारा ये, और हवा निकल रही है, आवाज़ आ रही होगी हल्की सी।